हेलो एवरीवन, आज की न्यू रेसिपी है स्वीट मैंगो कस्टर्ड। इसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ लीटर मिल्क लिया है और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई मीडियम रखना है। इसके साथ ही मिल्क को कॉन्टिन्यूस चलाते रहना है, वरना क्या होगा, दूध भगोने में नीचे लग जाएगा। तो इसे कॉन्टिन्यूस चलाते रहिए। और साइड में मैंने एक कप मिल्क में कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर दिया है। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दें। साइड में हमने कस्टर्ड मिक्स को भी तैयार कर लिया है, जिसको हम बॉइल्ड मिल्क में ऐड करेंगे। अब इसमें शुगर ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी शुगर लिया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चीनी को अच्छे से मिक्स होने दें। जब तक चीनी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती है, इसको चलाते रहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड मिक्स, जो हमने पहले ही तैयार करके रख रखा था साइड में, उसको भी यहाँ पर मिक्स कर देंगे। और कंटिन्यूस दूध को इस तरीके से मिक्स करते रहें। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें। कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। इसको हमें रूम टेम्परेचर पर आने देना है। ये देखिए, ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। साइड में मैंने 2 आम पहले से कट करके रखे हुए हैं, जिसको हम कस्टर्ड में अब ऐड कर देंगे। और लास्ट में इसमें आलमंड्स की टॉपिंग कर देते हैं और इसको फ्रीज में रख देते हैं। कम से कम 2 आवर्स के लिए मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। आफ्टर 2 आवर्स स्वीट मैंगो कस्टर्ड इज़ रेडी। तो इंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।